Let's start with next question, example 5.4. Calculate the mass of Earth from the given data. So, हमको given data already दिया है, so I will not write down given data again. So, what we have been given is value of g, acceleration due to gravity, that is 9.81 meter per second square. Radius of Earth 6.37 into 10 per 6 meter. तो आपको पता होगा 6378 किलोमीटर is the वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पे मीटर में लिखा है. वैल्यू ऑफ जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 इनटू 10 पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज मास ऑफ अर्थ, मतलब कैपिटल एम फाइंड करना है. एंड फॉर्मूला, इफ यू रिमेम्बर, हमने लास्ट सेशन में जी इक्वल टू जी एम बाय R square derive किया था, therefore you have M equal to GR square by capital G. So straight away you are supposed to put values here and just calculate. So mass of Earth is GR square. G is 9.81 into R square is 6.37 into 10 power 6 का square. upon capital G, that is 6.67 into 10 power minus 11. मैं आपको rough calculation बताऊंगा and then we will see that actually it turns out to be very close. देखो ऐसा है, वैसे आपको roughly पता होना चाहिए, roughly mass of earth is 6 into 10 power 24 kilogram. 6 into 10 power 24 kilogram is approximate mass of earth. ये 9.81, 6.37 का स्क्वायर है, तो 6.37 इनटू 6.37 और ये 10 पावर 6 का स्क्वायर, तो 10 पावर 12 अपॉन 6.67 इनटू 10 पावर माइनस 11. रफली एक और एक कैंसिल कर सकते हो, रफली. ओके, 6.37, 6.67 अप्रोक्सीमेटली कैंसिल आउट कर दिया. ये 10 पावर माइनस 11 ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 10 पावर 23. एंड देन अप्रोक्सीमेटली 9.81 को 10 ले लो और 6.37 को 6 मान लो, क्योंकि ये 9.8 था उसको 10 ज्यादा लिया है, इसको स्मॉल कर लेंगे, तो 60 इंटू 10 पावर 23, मतलब 6 इंटू 10 पावर 24 केजी आ गया आंसर. ये अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेटली मतलब वी हैव नॉट यूज्ड लॉग एंटी लॉग और रेसिप्रोकल यूजिंग लॉग टेबल्स, रेसिप्रोकल टेबल्स हमने वो कुछ नहीं किया है. अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते, जो हमने नहीं किया, अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते तो हमें मिलता 5.96 इंटू 10 पावर 24 किलोग्राम. सो नियर, 6 इंटू 10 पावर 24 और 5.96, इट्स वेरी वेरी नियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the acceleration due to gravity on the surface of moon. If mass of moon is 1 by 80 times that of earth, so in given quantity, mass of moon is 1 by 80 times of earth, right? And diameter of moon is 1 by 4 times of earth. डायमीटर मतलब रेडियस का रेशियो, क्योंकि डायमीटर आपको पता है रेडियस बाय 2 होता है, तो रेडियस ऑफ मून, या फिर कैपिटल आर भी यूज कर सकते हो, डजंट मैटर, रेडियस ऑफ मून बाय 2, क्योंकि डायमीटर इज रेडियस बाय 2, है ना. यस, 2r होता है, 2r, यस, सो इट इज 2r. सो 2rm इक्वल टू 2re बाय 4, कैंसिल एंड कैंसिल. तो डायामीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ अर्थ, मतलब रेडियस ऑफ मून इज 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये पता होना चाहिए, इतना आपको गिवन है. देन व्हाट आर दे आस्किंग यू इज टू फाइंड आउट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून. और अर्थ का जो सरफेस वैल्यू है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो आपको बोला है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है. And you are supposed to find out what is the value of GM. And formula, of course, you know. Formula is
जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वेयर। तो इन दिस केस जब आप सॉल्व करोगे तब आप बोलोगे पहले एक्सिस ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सिमिलरली इसको इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं। सिमिलरली यू हैव जी एम एक्सिस ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून विल बी जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर इक्वेशन नंबर टू। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। लेट अस डिवाइड इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन। डिवाइड इक्वेशन नंबर टू बाय इक्वेशन नंबर वन। देयरफॉर व्हाट यू विल गेट इज जीएम बाय जीई इक्वल टू जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। कैंसिल एंड कैंसिल, ये मिल जाएगा आपको मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर में, तो यू विल हैव रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट यू विल गेट। सो आई विल जस्ट स्क्वायर इट, जस्ट अ मिनट। तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, वी विल स्क्वायर दिस, स्क्वायरिंग दिस नाउ what you get here is mass of moon upon mass of earth is 1/80, hai na, mass of moon upon mass of earth is 1/80. So gm by ge is 1/80 aur yahan pe radius of earth upon radius of moon, radius of earth upon radius of moon is 4 hai, right, this is 4, radius of earth upon radius of moon is 4, to 4 ka स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, तो जीएम अपॉन जीई इज 16/80 व्हिच इज 1/5, देयरफॉर जीएम बाय जी अर्थ इज इक्वल टू 1/5। इसका मतलब मून का एक्सिस ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/5 ऑफ अर्थ। तो ये याद रखना, ये 12th में भी लगेगा व्हेन वी विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑन रोटेशनल डायनामिक्स। दे मे आस्क यू सच थिंग्स without telling you, without giving you this information. So, पता होना चाहिए directly g earth by 5. So, therefore, it is simple now, क्योंकि आपको ये value कितने दी है? 9.8 का by 5, है ना? How do you solve this? It's simple, very very simple. 9.8 by 5, 1.96. It is 1.96 meter per second square. So this is what you get. And also it means acceleration due to gravity agar 1/5 hai, so it also means ki agar aapka weight planet earth pe 50 kilogram WT hai, 50 kilogram weight, so moon pe you will have only 10. Next question, example 5.6, find the acceleration due to gravity on a planet that is 10 times as massive as Earth. Planet jo hai, mass of planet is 10 times of Earth, because they have told you the planet is 10 times as massive as Earth. Okay. And with radius 20 times the radius of Earth. Radius of planet is 20 times radius of Earth. This is what you have, right? Or g ki value, acceleration due to gravity on the surface of Earth is 9.8 meter per second square. Aur aapko yahan pe kya find karna hai? Acceleration due to gravity on the surface of planet. So gp find karna hai. सेम मेथड है, पर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब एग्जैक्टली सेम। तो अब क्या करेंगे? फॉर्मूला तो हमको पता ही है, फॉर्मूला हमको पता है कि g इज इक्वल टू कैपिटल g m बाय r स्क्वायर। गुड, बट कैपिटल g तो कांस्टेंट है ना, तो हम इसलिए बोल देंगे g इज प्रोपोर्शनल टू m बाय
आर स्क्वायर, इससे थोड़ा फास्ट होता है, लेस नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड. तो यू नो यू आर सपोज टू फाइंड आउट जीपी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट. तो इट इज इक्वल टू, मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं रेशियो ले रहा हूं. मैं किसका रेशियो ले रहा हूं, जीपी और जीई का. जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो जीपी तो यहां पे ऊपर आएगा एमपी और नीचे जाएगा आरपी. जीई तो यहां आएगा एमई और यहां आएगा आरई. इन दोनों का स्क्वायर था तो ये जाएगा स्क्वायर, राइट. तो आई एम पुटिंग सम शॉर्टकट्स हियर, राइट. तो ये शॉर्टकट मेथड है. अब एमपी बाय एमई, एमपी बाय एमई इज 10. RE by RP, RE by RP is 1 by 20, 1 by 20 का square. तो ये आ जाएगा 10 by 400, right? 10 by 400, 10 by 400, 10 और 20 का square is 400, 1 by 40, 1 by 40 मतलब 1 by 4 into 10, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 power minus 1, 10 power minus 1. करेक्ट, अपॉन 4. या तो एक काम करो, यहां तक ठीक है. व्हाट वी विल डू इज, नो वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, हमको चाहिए था जीपी, तो यहां पे हम लिख लेंगे जीई, है ना. जीपी बाय जी रेशियो है कि नहीं, जीपी बाय जीई इज 1/40, जीपी बाय जीई इज 1/40. तो जीपी क्या आएगा, जी अपॉन 40, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सिंपल. तो अब ऐसा है, If you know this much, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप GE की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. कितना है, 9.8/4 और ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 पावर माइनस 1 हो जाएगा. 9.8/4 2 जा 4.9 जा, राइट. 4.9/2 इज 2.45. 2.45 into 10 power minus 1, मतलब 0.245 meter per second square. This is acceleration due to gravity on that planet. All right, so now let us go through a theoretical topic. By the way, what we have known so far, अभी तक हमको यही पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये एक कांस्टेंट होता है, बट इन रियलिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ लोकल कांस्टेंट. लोकल कांस्टेंट मतलब इट इज कांस्टेंट एट अ गिवन लोकेशन, राइट. बट एज यू गो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब एट अल्टीट्यूड, एट सम हाइट, जी की वैल्यू चेंज होगी. इफ यू गो इनसाइड अर्थ तो भी जी की वैल्यू चेंज होगी. इफ यू गो ऑन द अर्थ, even in that case it will change. 9.8 hota hai pole ka value, so pole value is 9.8. also it changes with shape of earth, so there is variation in acceleration due to gravity with altitude, with depth, with latitude and with shape. So we'll have to see how it is varying. So variation in the value of acceleration due to gravity with altitude, that is height, with depth, with latitude, with latitude and shape, with latitude and shape. हम start करेंगे altitude से. So we'll first study variation in G, variation in the value of G with altitude. Altitude मतलब as you go above surface of earth. तो एक काम करते हैं इसके लिए. What we will do is we will first of all, हम पहले समझ लेंगे और बाद में लिख लेंगे. तो we'll first go through required theory. तो imagine you have object on the surface of earth. तो this is, let us say, earth. और earth के surface पे you have an object which is on the surface, right, at the surface of earth.
और एक केस ऐसा है, यू हैव वन केस, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द अदर केस. सो द ऑब्जेक्ट इज ऑफ मास m एंड इट इज ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड कैपिटल m इज मास ऑफ अर्थ. आपको याद होगा अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सर्फेस पे है तो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ. और आपको ऑलरेडी पता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी एम बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन. नाउ अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को, इफ वी टेक दिस ऑब्जेक्ट टू सम हाइट h मेजर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, हम अगर इस ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे लेके जा रहे हैं और हाइट मेजर करेंगे हम लोग सर्फेस ऑफ अर्थ से, वी विल नॉट मेजर दिस हाइट फ्रॉम सेंटर. याद रखना ये हाइट जो है ये अर्थ की सरफेस से है और फिर अर्थ के सरफेस से अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस हो गया r. तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी r प्लस h, ये बताना चाहिए. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, g सफिक्स h, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जाएगा g की वैल्यू भी चेंज होगी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज इक्वल टू g m अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू. Now if you divide these two, equation 2 को equation 1 से divide कर दो, तो gh by g is equal to gm upon r plus h square upon gm upon r square. ये और ये हो गया cancel, ये r square जाएगा ऊपर, we will get gh upon g equal to r square upon r plus h का square. Good, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो R upon R plus H whole square. So what you have is GH equal to G R upon R plus H square. So this is how acceleration due to gravity will change, will vary as object is taken to some height H. So GH will be G R upon R plus H. और कम ही हो रहा है, कैसे कम हो रहा है, denominator बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो नंबर छोटा होगा, लेस देन वन, लेस देन वन का स्क्वायर इज लेस देन वन, लेस देन वन मल्टीप्लाइड बाय जी इज अगेन लेस देन जी, मतलब ये 9.8 से कम होगा. सो एज यू आर गोइंग एट सम अल्टीट्यूड वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजिंग. अब यू शुड ऑल्सो नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बाइनोमियल एक्सपेंशन. मैंने पहले भी एक बार बताया था, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ. इसी इक्वेशन को वॉट यू कैन डू इज जी एच इक्वल टू जी, ये R को आप नीचे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट इन द डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर स्क्वायर. फाइन, नाउ यू विल हैव ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, R अपॉन R इज 1 प्लस H अपॉन R, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये इसका स्क्वायर. ये जब ऊपर जाएगा तो यू विल गेट जी एच इक्वल टू जी 1 प्लस H बाय R रेज टू माइनस टू. अब अगर आपका मैथ्स में बाइनोमियल एक्सपेंशन हुआ है तो ठीक, नहीं हुआ है तो मैं बता देता हूं. सी द थिंग इज यू विल लर्न इन फ्यूचर ऑफ कोर्स 1 प्लस ए बाय बी रेज टू एन, ये फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला आता है उसको आप बोलते हो बाइनोमियल एक्सपेंशन, वो आता है एन सी जीरो कॉम्बिनेशन, वो भी आपका सीखना बाकी होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. एन सी जीरो 1 रेज टू n, पहला टर्म रेज टू n, दूसरा टर्म रेज टू 0, प्लस एन सी 1, पहला टर्म 1 रेज टू n माइनस 1, दूसरा टर्म रेज टू 1, प्लस एन सी 2, देखो n n माइनस 1 n माइनस 2, 0 1 तो अब 2, तो a बाय b रेज टू 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ, करेक्ट. अब ये याद रखना, अब इमेजिन अगर a वेरी वेरी लेस देन b हुआ तो a बाय b ये वेरी वेरी लेस देन 1 होगा. एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो a बाय b 10 पावर माइनस 3, करेक्ट 0.001, तो विच इज वेरी लेस देन 1,
उसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो इफ आई टेक दिस स्क्वायर 10^-6 मतलब ये आ गया 0.00000 and 0 which is very small, मतलब can be neglected, बहुत छोटा है तो neglect कर दोगे. So in such cases, दो term के आगे जितने भी terms आते हैं they can be neglected. और इसको पूरा solve करने के बाद, सिर्फ ये होता है कि ये जो power है, ये पावर आप यहां पे लिखते हो खत्म, दैट्स इट. तो जो भी इंडेक्स होगा, मतलब जो भी पावर होगा, उस पावर को सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना, डन. कब? व्हेन ए इज वेरी वेरी लेस देन बी. ए इज वेरी वेरी लेस देन बी मतलब ए अपॉन बी इज वेरी वेरी लेस देन 1. सिमिलरली अब इमेजिन हमारे पास जो इक्वेशन है, अगर मैं बोलता हूं इफ height of the object is very very small compared to radius of earth, for example height of object is 16 km 16, what is radius of earth 6400, right? So 16 is very 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 less than 6400. So agar aisa hua to is case mein aapko kya milega, h by r very very less than 1, very good. So ab according to what I just told you, binomial expansion, ये आपको मिल जाएगा 1-2h/r. क्यों? क्योंकि सीधा सीधा पावर को डायरेक्टली सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? तो रिमेंबर ये कब अप्लाई होता है, तब अप्लाई होता है जब पहले टर्म में 1 हो, दूसरे टर्म में h अपॉन r है और h इज वेरी वेरी लेस देन r. तो आपके पास मिल गया इक्वेशन नंबर 4. अब आपके पास दो इक्वेशन है, किसके दो इक्वेशन है, वेरिएशन ऑफ g विथ अल्टीट्यूड, राइट? एक है r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर, दूसरा है 1-2h/r into g. अब क्वेश्चन ये आता है कौन सा कब यूज करेंगे. दोनों ही आपको बता रहे हैं हाउ इज g चेंजिंग विथ अल्टीट्यूड. तो याद रखना इक्वेशन नंबर 3 तब यूज करते हो जब हाइट ज्यादा हो. फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट इज एट अ हाइट ऑफ 3200 किलोमीटर, 3200 इज 6400/2, मतलब हाइट इज रेडियस बाय 2, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रेडियस ऑफ अर्थ बाय 2. तो जब आप ऐसा लिख पा रहे हो h इज इक्वल टू, मतलब जब आप हाइट को और रेडियस को कंपेयर कर पा रहे हो, व्हेन यू कैन कंपेयर, व्हेन हाइट इज एप्रिशिएबल, व्हेन हाइट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ रेडियस, मतलब कंपेरिजन हो सकता है, तो इन दैट केस यू विल यूज इक्वेशन नंबर 3. सो इन शॉर्ट जब हाइट ज्यादा होगा तब आप यूज करोगे इक्वेशन नंबर 3, जब हाइट कम होगा तब यूज करोगे इक्वेशन नंबर 4. गुड. तो ये याद रखना, ये जेईई नीट में बहुत काम में आएगा. नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट पुट डाउन इन थ्योरी अगेन एंड आल्सो रिपीट. तो वी विल स्टार्ट विथ, मैं दोनों के दोनों केसेस रहने देता हूं. आई विल कॉल दिस एज डायग्राम फिगर ए एंड फिगर बी. तो अब एज आई टोल्ड यू कि फिजिक्स में यू डोंट हैव टू डू रटाफिकेशन, रट्टा नहीं मारना होता है. हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ समझना है और उसको लिखना है. तो स्टार्ट विथ केस नंबर 1. केस नंबर 1 में क्या है, यू हैव अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कहाँ है, सरफेस ऑफ अर्थ. सो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, placed on the surface of earth, as shown in figure A, अब बोल देना let capital M is mass of earth and capital R is radius of earth. Then what you will say is, we know that acceleration due to gravity on the surface of earth, on the surface of
Earth is given by ये आपको ऑलरेडी पता है, इट इज g इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर. इक्वेशन नंबर वन. नाउ इमेजिन द ऑब्जेक्ट, मतलब वही ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट इज टेकन टू अ हाइट h, टू अ हाइट h measured from the surface of earth. So height hum kahan se measure kar rahe hain? From the surface of earth. Measured from the surface of earth. Or in this case acceleration due to gravity is given by of course, मैंने अभी अभी बताया था कि हम इसको g suffix h से denote करेंगे, that is equal to capital G, capital M, capital G, capital M upon r plus h का square, equation number 2. फिर हम equation 2 को equation 1 से divide कर देंगे. So dividing equation number 2 by equation number 1. What you will have in this case is, therefore you will have gh by g equal to gm upon r plus h का square upon gm by r square. ये और ये हो गया cancel. Therefore you will have gh by g equal to r square ऊपर जाएगा, r plus h का square नीचे आएगा. And you can definitely write this as R upon R plus H whole square. So therefore you will have GH equal to G R upon R plus H whole square, equation number 3. Equation 3 gives variation of G with altitude H. So equation 3 gives variation in G with altitude H. Now again, from equation number 3, you can also write down, GH equal to G, ये जो ऊपर का R था, ये जाएगा denominator के denominator में. Good, तो ये आपको मिलेगा GH equal to G, one square तो one हो गया, upon R plus H, तो R by R मतलब one plus H by R का square, ये ऊपर जाएगा. Therefore GH equal to G one plus H by R raised to minus 2. Therefore you will have GH equal to G one minus 2H by R, right? लेकिन यू नीड टू नो कि ये जो हमने लिखा है ये कौन से कंडीशन में लिख सकते हैं. इफ हाइट इज वेरी वेरी लेस देन आर, देन यू हैव एच बाय आर वेरी वेरी लेस देन वन, एंड बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन, सिर्फ इतना लिख देना, एंड बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन या बाइनोमियल थ्योरम. ओके, बाइनोमियल थ्योरम, यू हैव GH equal to G 1 minus 2H by R, equation number 4. Equation number 4 gives variation in G with altitude for small h, for very small height. Equation 4 gives variation in G with altitude for very small height. ये पता होना चाहिए. So I expect that you have understood this derivation, और बहुत simple है, extremely extremely simple and very very interesting as well. So now what we'll do is we'll solve one question. And now एक चीज जो मैंने बताई नहीं अब बताऊंगा, वो मैंने आपको ये नहीं बताया कि height small, ठीक है, लेकिन exactly
एग्जैक्टली बाउंड्री कौन सी है, इससे कम वैल्यू हो हाइट की तो इक्वेशन फोर यूज होगा, इससे ज्यादा हो तो इक्वेशन थ्री यूज होगा. तो वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट बाउंड्री, वी विल सी. एग्जाम्पल 5.7, एट वॉट डिस्टेंस अबोव द सर्फेस ऑफ अर्थ द एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज बाई 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सर्फेस. ओके, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं. आपको बोला है कि कितनी हाइट पे एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 10%. तो मेथड नंबर वन सिर्फ मैं बता दूंगा, हम सॉल्व दूसरे मेथड से करेंगे. तो देखो, यू नीड टू रिमेम्बर फिजिक्स में परसेंटेज डिक्रीज इन एनी क्वांटिटी इज फाइनल वैल्यू. यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या होगी, हाइट पे जी, और इनिशियल वैल्यू मतलब सरफेस पे जी, मतलब चेंज इन जी, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू. इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज, रिलेटिव चेंज. याद है चैप्टर नंबर वन, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर. और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा यस. लेकिन हम एरर की बात नहीं कर रहे, हम चेंज की बात कर रहे हैं. तो ये है परसेंटेज चेंज. तो परसेंटेज चेंज कितना है, 10%. मतलब ये वैल्यू आपको दी है 10%. मतलब अभी परसेंट से अगर नंबर में कन्वर्ट करोगे तो जीएच माइनस जी बाय जी आ जाएगा 10/100, और जीएच माइनस जी बाय जी यहां से आपको मिल सकता है इक्वेशन नंबर 4 से. कैसे मिलेगा, ये जी को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे राइट, तो आपको मिल जाएगा जीएच इक्वल टू जी माइनस माइनस क्या था 2h बाय आर और ये जी. तो जी एच माइनस जी इक्वल टू माइनस 2h बाय आर और ये जी को यहाँ पर आके डिवाइड कर लेंगे. तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ये एक मेथड है. और दूसरा मेथड ऐसा है, इजी इजी, इन्होंने आपको बोला है कि 10% से वैल्यू डिक्रीज हुई, मतलब सरफेस पे वैल्यू अगर जी था तो हाइट पे 90% ऑफ जी रहेगा क्योंकि 10% से डिक्रीज हो गया राइट. तो अब गिवन क्वांटिटी में यू कैन से सिंस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस बाय 10%, therefore gh acceleration due to gravity at height h will be 90% of g. 10% से कम हो गया ना, तो कितना बचा फिर, किसका, सरफेस वैल्यू का. मेरे पास 100 रुपीज थे, 10% से कम हो गया, कितना बचा 90. मेरे पास वैल्यू सरफेस पे थी g, 10% से कम हो गई तो कितनी बची, वही तो मैं बता रहा हूँ 90%. गुड, इसका मतलब आपको मिल जाएगा जी एच इक्वल टू 90%, मतलब 90/100 जी, बराबर. गुड, तो इफ यू नो दिस नाउ, ऑफ कोर्स ये गिवन है और आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है व्हाट इज हाइट एच राइट. ये गिवन है आपके पास, यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज हाइट, कितनी हाइट पे ऐसा हुआ. और बाय द वे आपको R की वैल्यू भी दी है 6400 किलोमीटर. फॉर्मूला अभी अभी हमने डिराइव किया. एंड वेल बाय द वे एक चीज समझ लो, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन और होगा कि हम एग्जैक्टली कौन सा फॉर्मूला यूज करें, इक्वेशन 3 का इक्वेशन नंबर 4. देखो बात ऐसी है, G की वैल्यू सिर्फ 10% कम हुई, ओनली 10%. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का हाइट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जी की वैल्यू कम 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 कर होते जाएगी. अगर बोला होता कि 50% से कम हो गई तो मतलब हाइट बहुत ज्यादा होगा, मतलब इक्वेशन नंबर 3 यूज होगा. सिर्फ 10% चेंज है, मतलब हाइट बहुत कम है, और हाइट बहुत कम है तो फॉर्मूला कौन सा था, इक्वेशन नंबर 4, जी एच इक्वल टू जी वन माइनस 2 एच बाय आर. तो दिस इज हाउ यू डिसाइड. अब सॉल्यूशन इज इजी. वेल बाय द वे Do you see something? यहां से from here GH by G is 90/100. So you need to focus on this. ये आपको पता होना चाहिए. इस पर अगर ध्यान नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा. So you need to know that यहां ये जो आपके पास है, यहां से आपके पास है GH by G equal to 90/100, मतलब 9/10. Very good.
इसका मतलब यहां पे भी मैं ये डायरेक्टली लिख सकता हूँ जी एच अपॉन जी के फॉर्म में, तो आई कैन राइट दिस इन टर्म्स ऑफ जी एच अपॉन जी का फॉर्म, राइट। और अब क्योंकि जी एच अपॉन जी ये 1 माइनस 2h बाय r है और ऊपर से जी एच अपॉन जी हमारे पास 9 बाय 10 है, तो देयर फॉर आई विल राइट डाउन 9 बाय 10 इक्वल टू 1 माइनस 2h बाय r, करेक्ट। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो 2h बाय r इज 1 माइनस 9 बाय 10, बराबर। तो ये आ जाएगा 2h बाय r 10 माइनस 1 बाय 10, करेक्ट। तो देयर फॉर यू विल गेट एच इक्वल टू आर ऊपर और ये आ गया 20, फाइन। तो दिस इज एग्जैक्टली लिमिट, जब हाइट आर बाय 20 से कम हो, कम हो, कम हो मतलब नीचे का नंबर बढ़ेगा तो आप इक्वेशन 4 यूज करते हो। अगर हाइट इससे ज्यादा हो, अब मैं काम करता हूं, लुक हियर, एक काम करते हैं, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इतना कौन याद रखेगा, व्हाट इज आर वैल्यू, 6400, तो एच इक्वल टू 6400 बाय 20 मतलब कितना, 320। तो यू सी यू कैन कंसीडर ये 320 किलोमीटर, तो यू कैन कंसीडर कि ये बाउंड्री है, अगर हाइट 320 किलोमीटर से कम हो, सो इफ द हाइट इज लेस देन और इक्वल टू 320 यू हैव टू यूज फोर्थ इक्वेशन जी 1 minus 2h by r. If the height is greater than this, you have to use equation number 3, g r upon r plus h ka whole square. So you need to remember this, okay? So phir bhi bahut sare books mein alag-alag values di hui hai, but this is what I will suggest. So that's it for today.